प्रत्येक धर्म को अपने अंदर समेटे हुए है भारत, जिसका हर नागरिक भारतीय कहलाता है, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों ना हो। और यहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म एवं अपनी इच्छा के अनुसार उस धार्मिक स्थल पर जाता है जहाँ उसके मन को सुकून मिलता है। इसी तरह भारत में स्थित 2 लाख मंदिरों के बीच एक मंदिर गुरुग्राम के कासन गांव में स्थित है, शहर की चकाचौंध से दूर एक पहाड़ पर। अरावली पर स्थित इस मंदिर को नाम मिला है मशहूर आध्यात्मिक गुरु से, जिसे श्री बाबा वेसा भक्त पूरनमल मंदिर बाबा चोरंगी नाथ के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में एक मुख्य अधिकार हर भारतीय को दिया गया है, और वह अधिकार यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन या अन्य हो, उन्हें हर धर्म या आस्था का स्वतंत्र रूप से पालन तथा प्रचार करने का अधिकार है। यही कारण है कि नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वह प्रत्येक उस मंदिर में जाता है जहाँ उसे शांति और सुख का अनुभव होता है। बाबा विशा का मंदिर है। बाबा विशा का मंदिर क्यों बोला जाता है? जो बाबा पूर्णमल थे, राजा सलेमान के पुत्र, उन्होंने यहाँ पर आके तपस्या करी थी। बाबा पूर्णमल बाल ब्रह्मचारी थे और योग शक्ति से भरपूर थे। उन्होंने इस पहाड़ी पर आकर के घोर तपस्या करी थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से यहाँ पर मंदिर बना, और ये मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है। और 2000 साल पुराना है। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब आपको बताते हैं, काशी नाम से कासन बना और कासन से फिर काशी बना। पहले इस गांव को काशी के नाम से पुकारा जाता था,
और बाबा पूर्णमल जब आए तो पहाड़ी पर आकर के पूछा कि ये कौन सी जगह है। गांव वालों ने कहा कि ये काशी है। बोले ये वो काशी तो नहीं है जिस काशी में हम जाना चाहते थे। वहाँ तो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो काशी तो नहीं। लेकिन यहाँ का नज़ारा एक ऐसा था कि पेड़ पौधों से हरा भरा हुआ ये पहाड़ बड़ा मनमोहक था। चिड़िया चहक रही थी, शाम का टाइम था। बाबा ने सोचा कि हमारे लिए तो यही काशी है। इस पहाड़ी पर बड़ा सुंदर दृश्य देख करके उन्होंने यहाँ तपस्या की और बिगड़ के इस गांव का नाम काशन बना, जो कि पहले काशी था। गांव में पहाड़ी के ऊपर मेला लगता है। साल में 3 मेले लगते हैं, एक बैसाख शुक्ला चतुर्दशी, दूसरा मेला लगता है महाशुक्ला चतुर्दशी और तीसरा मेला यह है भाद्रपद मास एकादशी से शुरू होता है और चतुर्दशी तक रहता है। श्रद्धा भक्ति एवं खुशी से भरा है मेला, जहां बच्चों को बहलाने वाले खिलौने हैं, तो अलग अलग तरह के झूले भी हैं। क्या कहता है दिल राम जी? La la la, aha mela dilon ka aata hai ek baar aake chala jata hai mela dilon ka aata hai ek baar aake chala jata hai मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर जाना ही है सबको क्यों आते हैं मुसाफिर मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है a
सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा और भक्ति में लीन भक्त बाबा पूरन मल की मूर्ति को देखने के लिए तथा बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह मंदिर सिर्फ नाम से ही मंदिर नहीं है, यह वास्तव में मन को मोह लेने वाला स्थान है। वह स्थान जहां घर की ही भांति आपको शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक स्थल न केवल पहाड़ की ऊंचाइयों को छुए हुए है बल्कि भक्तों के दिल को भी छुए हुए है। यही कारण है कि चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बाबा पूरन मल के भक्त उनसे मिलने कासन गांव पहुंच ही जाते हैं। ये कासन गांव पहले काशी था, दोबारा से वही काशी बन गया।